हिस्ट्री की बुक्स यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है जनता के बारे में। तो आइए आज हम चलते हैं महाराष्ट्र की अजंता केव्स में। संभाजी नगर से कोई भी गवर्नमेंट की बस लेकर आप अजंता केव्स आ सकते हैं। 3 घंटे लगते हैं यहाँ आने में। या अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो जलगांव स्टेशन उतर के 63 किलोमीटर दूर अजंता केव्स, एलोरा से 103 किलोमीटर दूर है। पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो 4 किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पार्क करना पड़ेगा। पर पर्सन 15 रुपये लेते हैं ये पार्किंग प्लस एमिनिटी चार्जेस के। इस तरह से आपको टिकट मिलेगी। एंट्री लेते ही आपके पीछे पड़ जाएंगे कुछ लोग जो आपको बुक बेचने की कोशिश करेंगे और ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेंगे, तो उनसे सावधान रहें। बाकी के 4 किलोमीटर आपको शटल बसेस से जाना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों तरह की बसेस अवेलेबल है। एसी का चार्ज है 30 रुपीज़ पर पर्सन। पहली बस यहाँ से 9 बजे स्टार्ट होती है और हम जा रहे हैं अभी नॉन एसी बस में जिसका किराया 25 रुपये पर पर्सन। बस 10 मिनट में 4 किलोमीटर की जर्नी पूरी करती है। बस से उतरने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और टिकट लेनी है। टिकट या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट का चार्ज है 40 रुपये पर पर्सन और अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो उसके 25 रुपये एक्स्ट्रा है। कैमरे के लिए कुछ इस तरह से आपसे फॉर्म भरवाएंगे। यहाँ पे MTDC का रेस्टोरेंट केव्स के बाहर ही, तो आप खाना चाहो तो यहीं पर खाना, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ चेयर डोली भी अवेलेबल है जिसका चार्ज है 2000 रुपये पर्सन। यहाँ पे आप गवर्नमेंट अप्रूव गाइड भी कर सकते हैं जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 1370 रुपीज़ टू 2300 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन योर ग्रुप। तो गाइड जो है वो गुफा नंबर 19 तक बस आपको गाइड करेंगे, उसके बाद आपको बाकी की जितनी भी गुफाएं वो खुद से देखनी है। कुछ कुछ गुफाएं जो अभी आधी बनी हुई हैं और कुछ कुछ पूरी बनी हुई हैं। तो जो हमने गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड लिए थे वैसे तो उनका चार्ज ज़्यादा है, पर हमने दो ग्रुप में शेयरिंग किया था, 7 लोगों का और 5 लोगों का, तो हमें देने पड़े 1500 रुपये। तो आप ऐसे शेयरिंग में भी गाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गाइड कम है, तो आपके भी पैसे बचेंगे और बड़े ग्रुप में कर सकते हो। यहाँ स्कल्पचर्स और पेंटिंग से बुद्ध की जीवन की कहानी बताई गई है। The caves are situated in horseshoe-shaped bend of Wagora River and it was rediscovered by a British officer named John Smith in 1819 when he was out for hunting. There are 30 caves in Ajanta, out of which 4 are completely closed and some of them are about to be closed. So this is the right time for you to visit Ajanta. यहाँ पे 2 तरह के बुद्धिस्ट पंथ हैं। पहला है हैनयान जिसमें बुद्ध की पूजा सिंबॉलिक तरीके से की जाती थी, इसमें कुछ भी इमेज या स्कल्पचर का यूज़ नहीं होता था। और उसके बाद सेकंड आया महायान जहाँ पे बुद्ध की पूजा उनके स्कल्पचर्स या इमेजेस के साथ होने लगी। यहाँ पे 2 तरह की साउथ डायनेस्टीज का यूज़ किया है जिसमें से फर्स्ट है सातवन और दूसरा है वकाटक। अजंता आने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे हर केप के बाहर आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। सो ऐसे ही शूज़ पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो बार बार उतारने में। सेकेंड, केव्स के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आपने कैमरे का चार्ज दिया है तब भी अलाउड नहीं है, आप फोटोज़ खींच सकते हो। थर्ड इज़ यू कैन नॉट यूज़ टॉर्च इन साइड बिकॉज उससे डैमेज होता है पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को। सारी केव्स घूमने के लिए आपको लगेंगे 3 से 4 घंटे कम से कम। वैसे तो यह रहने के ऑप्शंस बहुत कम है, बट वी फाउंड आउट दिस होटल, होटल अजंता ग्रीन, विच इज़ जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम अजंता पार्किंग, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू स्टे हेयर। दे ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल रूम एंड प्रोवाइड डिलीशियस फूड, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई स्टेइंग हेयर इफ़ यू आर कमिंग टू अजंता। तो ऐसे थी अजंता केव्स। यहाँ पे सारी बुद्धिस्ट और रिलीजन के स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स है जैसा मैंने दिखाया। गुफा के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी अलाउड है। तो मैंने फ़ोटोज़ के थ्रू आपको समझाया कैसा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।